بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सवाल जो किया जा रहा है और जिस माहौल में किया जा रहा है वहाँ बाज़ाब्ता बावसूल अंदाज से एक मस्जिद में जमात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आप दो दो जमात करना चाहते हैं, पहले माहौल बनने दीजिएगा फिर फतवा पूछिएगा। और ये अपने करीब मुफ्तियों से भी आप समझ सकते हैं। अब ये अगला सवाल किसी ने चांदी की अंगूठी के ताल्लुक से किया है कि चांदी की अंगूठी का वजन शरीयत तौर पर कितना होना चाहिए। कुछ बुजुर्ग बहुत बड़ी बड़ी अंगूठी पहनते हैं, तो क्या इसमें कोई हर्ज है या नहीं? जो शरीयत ने इजाजत दी है वसन, चार माशा से ज्यादा ना हो, चांदी की हो, उस पर कोई एक नग हो, नग कितना भी कीमती क्यों ना, ये है अंगूठी। और जिसका जिक्र सवाल में है वो अंगूठी नहीं, वो तो अंगूठा है, उसकी कहीं इजाजत नहीं। इससे नुकसान ये कि इस अंगूठे को जब आप पहन कर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज वाजिबुल अदा होगी, लौटाना वाजिब होगा, इससे बड़ा नुकसान और क्या। माशाल्लाह। अगला सवाल किसी ने किया है कि हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, तो हमारे आका की नबूवत यानी ऐलान नबूवत के पहले जिन अंबियाए किराम ने ऐलान नबूवत किया, क्या वो और उनके उम्मती यानी वो अंबियाए किराम और उनके उम्मती हमारे आका की उम्मत हो जाएंगे? ये सवाल है। इसका जवाब तो सरकार रसालत ने दे ही दिया, उर्सिल तो इलल खल्क काफा, मैं तमाम मखलूक का रसूल बना के आया, इंसान और जिन्नात इनको छोड़िए, तमाम मखलूक। तो जिनका जिनका जरूर जितनी मखलूक है वो तो सबके रसूल अल्लाह के रसूल हैं, तमाम मखलूक का रसूल बना के उर्सिल तो इलल खल्क काफा, पूरी मखलूक का रसूल मुझे बनाएगा। तो ये भी क्या नाम है, जितने अंबिया गुजरे और उनकी जितनी उम्मतें गुजरी रसूल की रसालत आम्मा, उन पर भी उनको भी अपने दामन में लिए हुए हैं। किसी ने सवाल किया है कि क्या किसी गैर मुस्लिम के मजहबी त्योहारों का बिजनेस या कारोबार कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर दिवाली है या रक्षाबंधन है या क्रिसमस वगैरह, इसका कोई मुसलमान कारोबार कर सकता है? आप खुद
سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کے مذہب کا مسلمان اپنے مذہب کا پابند ہے, غیر مسلم کے مذہب کا پابند نہیں ہے. جو غیر مسلمین کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ہی دین پر قائم رکھیے, اپنے ہی مذہب کی اطاعت کی جہاں تک آپ کے مذہب نے جتنی اجازت دی ہے اس کے آگے آپ تجاوز کرنے کی کوشش نہ کریں. किसी ने सवाल किया है कि घर गिरवी पे लेकर किसी और को रेंट पे देना कैसा है. देखिए, किसी से रहन लेते हैं ना, ये वही गिरवी जिसको कहते हैं, आप उससे नफा नहीं हासिल कर सकते. आप किसी से मकान ले लें या कुछ ले लें और लेने के बाद आप उससे फायदा हासिल करें या आप हासिल नहीं कर सकते. वो चीज अमानत में आपके पास रहेगी, फिर जब वापस मांगेंगे तो उसको वापस कर देंगे. उसकी हैसियत ये नहीं कि आप उसको खुद दूसरे को दे दें. ये तो गया जैसे किसी से खेत ले लिया आपने, तो खेत तो ले लिया मगर आप उसमें खेती करें उसका नफा किसकी याद नहीं. अब ये कोई किसी की परेशानी है तो वो उस परेशानी का वजीफे के शक्ल में हल चाहते हैं, यानी रोजी में बरकत के लिए अगर कोई अमल हो या वजीफा हो तो चाहते हैं. कोई भी इस्तिग़फ़ार उनको याद हो उसी इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, नमाज का पाबंदी करें 5 वक्त, ना इसमें सुस्ती हो ना उसमें सुस्ती हो. اب چاہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ, اس کو استغفار ملائکہ کہتے ہیں, استغفار اولیاء اس کو. یا کوئی بھی استغفار یا استغفر ما کرتا ہو قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, 100 100 بار روز پڑھا کریں اس کو, اور اس میں نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. جس سے مانگنا ہے اس کو راضی بھی تو رکھو, نافرمانی میں اس کی رضا نہیں ہے. سوال ہے کہ عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب قدر کی نشانیاں کیا بتائی ہیں, حالانکہ پیارے آقا بذات خود پرٹیکولر دن بتا سکتے تھے, تو اس کا انوکھا راز کیا ہے؟ ویسے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ رسول نے ایسا کیا اس کا راز کیا ہے, خدا نے ایسا کیا اس کا راز کیا ہے. ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں اس کا راز کیا ہے, ہم یہ سوال آپ سے نہیں کریں گے. ہاں, اس کی حکمت آپ سمجھنا اگر چاہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیے, شب قدر کے بارے میں رسول کو پوری خبر دی گئی, ٹھیک, اور سرکار
सहाबा के बीच में भी उसका जिक्र फरमाने का इरादा कर लिया। यहाँ आए तो दो आदमियों में झगड़े चल रहे थे, कुछ बहस मुबहसा हो रहा था, तो वक्त जो है सरकार के जहन से निकल गया। वो तस्वीर वगैरह में वो सारा वक्त निकल गया। तो जाहिर है कि उसका वक्त बताने वाला भी खुदा और फिर उस वक्त को निकाल देने वाला भी वही और फिर बाद में सरकार को उसका इल्म दिया गया और सरकार ने ये देखा कि बताने में अच्छा ये उम्मत के लिए या ना बताने में, वो एक ही रात तो होती ना, एक ही वक्त तो होता, तो उम्मत उस वक्त में काफी मेहनत का मुजाहरा कर सकती थी। मगर मर्दी रसालत कि इसके वक्त को राज में रखा जाए, तो जितनी रिवायतें मिलती हैं वो खुद जानते थे मगर बताया नहीं, और न बताने से पता ये चलता है कि उसके वक्त का बताना फरीज़े नबूवत में नहीं था। अगर नबी के लिए उसका बताना फर्ज होता तो नबी ज़रूर बताता, वरना दीन की तकमील ही नहीं होती। बताना ये मर्जी की बात थी, चाहे बताएं चाहे ना बताएं, मगर बताने में ये है कि एक ही तारीख में उलझ के सब रह जाते, ना बताने में ये है कि अब उसकी तलाश कर रहे हैं हर हर ताख तारीखों में उसकी तलाश हो रही है, रात भर इबादत हो रही है। तो उम्मत के लिए मुफीद ये चीज़ थी कि उसको इबादत में लगा दिया जाए, उसकी तलाश में लगा दिया जाए। ये नबी के लिए उसका बताना ना जरूरी था ना, मगर नबी को इल्म जब हुआ तब बता देते। कैसे बता देते, नबी को तो पता ही था कि ना बताने में उम्मत का फायदा, बेशक नहीं बताया। इसमें रवायतें भी होते हैं, जो मशहूर रवायतें हैं रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की ताक रातें आखिरी अशरे 21, 23, 25, 27 ये ताक रातें। ऐसी भी रवायत है कि एक रमजान से लेके आखिरी रमजान तक तलाश करो, यानी रमजान के हर ताक तारीख जो है उसमें शब कदर हो सकती है। तो रवायत तो ज्यादा जो मशहूर हुई वो यही, बहुत सारे बुजुर्गों ने देखा है वही, तो वो 27 मशहूर हो गई। मगर ये मशहूर है और मगर इन सब तारीखों में बुजुर्गों ने देखा है, किसी ने 23 में देख लिया, किसी ने 25 में देख लिया। बहरहाल ये रवायतें ऐसी हैं इसमें इबादत और रियाजत करें, और रमजान शरीफ का तो ये है कि पूरे रमजान शरीफ की हर रात को आपको शब कदर ही समझ करके इबादत करना चाहिए। मगर वही ना बताने की बात, इसमें मसले ये थी कि इसमें उम्मत का फायदा ज्यादा था। अगर सिर्फ 27 रमजान के आखिरी ताखों का आप लिहाज करेंगे तो बहुत आप अज्र अपने अंदर ले सकते हैं, समा सकते हैं, और तो वो तो अच्छा वही था जो किया सरकार ने।
अब ये अगला सवाल जो है ये सवालात ख्यालात के ताल्लुक है, यानी कि हमें हमारे जहन में जो ख्यालात आते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो किसी ने सवाल किया है कि अगर किसी के जहन में गंदे या बुरे ख्यालात आ रहे हैं तो जहन को उन ख्यालात से पाक करने का क्या तरीका? ज़हन को उन ख्यालात से पाक करने का तरीक़ा ये है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, हर वक्त बावज़ू रहिए, सोइए तो बावज़ू, चलिए फिरिए तो बावज़ू, और जब वज़ू आपका टूट जाए तो फौरन वज़ू कर लीजिए, और हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, अल्लाह का फ़ज़ल होगा, सब पाक हो जाएगा। किसी ने कर्ज के ताल्लुक से पूछा है कि कर्ज से निजात के लिए कोई वजीफा अता करना? भाई कर्ज से निजात के लिए भी यही इस्तग़फ़ार, तौबा, इस्तग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा। वो इस्तग़फ़ार मलाइका जो हमने बताया वो खास तौर से कर्ज के सुरुदोष होने का रास्ता है। सवाल यह है कि हर बार तौबा करता हूँ और हर बार तौबा टूट जाती है, तो कोई ऐसी रहनुमाई फरमाए जिससे तौबे पर जिसको देखो आप हर बार तौबा करने, आपने आज तक एक बार भी तौबा नहीं की, तौबा तो वही है जो हो जाए तो टूटे ना, बेशक बेशक बेशक, उसकी हिफाजत कीजिए। ये जो अस्तग़फ़िरुल्लाह तौबा हो गई, तौबा वही होती है जो दिल से होती है, इस इरादे से होती है कि जिस चीज़ से हम तौबा कर रहे हैं उसके करीब नहीं जाएंगे, तो ऐसी तौबा नहीं टूटा करती। और ऐसा शख्स जो पाबंद सलात भी हो, नमाज का पाबंद हो, इस्तिग़फ़ार कसरत से कर रहा हो, तो उसकी हिफाजत होती है, रब तबारक व तआला उसकी तौबा की हिफाजत फरमाता है। किसी अगला सवाल किसी ने किया है कि मुझे कुछ वक्त पहले किसी ने पूछा कि तुम सुन्नी ये कहते हो कि नबी और सारे वली जिंदा हैं, तो फिर तुम नबी और वली पर फातिहा क्यों पढ़ते हो? फातिहा तो मुर्दों पर किया जाता है। हम तो यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुर्दों को फातिहा नहीं करते, फातिहा कहते हैं ईसाले सवाब को, ईसाले सवाब के लिए मुर्दा जिंदे की शर्त नहीं है, ईसाले सवाब, सवाब किसको नहीं चाहिए, मुर्दों को नहीं चाहिए कि जिंदों को नहीं चाहिए, तो ईसाले सवाब करते हैं जो सवाब के यहां मोहताज है वो सवाब के वहां भी मोहताज है। ये शादी के ताल्लुक से किसी ने पूछा है कि अगर शादी ना हो रही हो तो कोई ऐसा वजीफा कि जिससे एक अच्छा रिश्ता ऐसा आ जाए। दुआ तो सबसे बड़ी चीज है, दुआ करें और एक छोटा सा अमल जो है जो हर मकसद के लिए, शादी भी एक मकसद ही है, नेक मकसद है, जुमा के दिन जहाँ असर की नमाज आप पढ़िए उसी मसल्ले पर बैठ जाए
जुमा के दिन एक वक्त की बात है, असर की नमाज जहाँ पढ़िए उसी मुसल्ले पर बैठ जाइए और या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, इसी की रट लगा लीजिए। यहाँ तक रट लगाइए कि मगरिब का वक्त आ जाए और उस वक्त अपने उस मकसद के लिए दुआ कीजिए। ये आप तन्हा अपने मकसद के लिए कर सकते हैं, दो चार लोग भी अलग अलग इस चीज़ को अपने मकसद के लिए कर सकते हैं। एक मकसद के लिए चार आदमी कर रहे हो वो ठीक है, मगर चार मकसद के लिए एक आदमी कर रहा हो ये ठीक नहीं। तो अब इस तरह से आप कीजिए, एक जुमा हो जाए अब दूसरा जुमा असर से मगरिब, ये हो जाए तो तीसरा जुमा असर से मगरिब, तो इसका कोर्स कम से कम 7 जुमा, ज्यादा से ज्यादा 40 जुमा। मगर क्या नाम है, ये आप करेंगे रब तबारक व तआला आपकी बात सुनेगा, वो तो पूरी कर देगा इंशाल्लाह। और इस वजीफे में एक बात और भी है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ हजरात इस गलत फहमी में हो जाते हैं कि अगर बिलफर्ज इस जुमा को वो अपने वतन में है और आने वाले जुमा को वो किसी काम के गरज से अपने वतन से दूर चले गए तो जगह बदलने से कोई इसमें नहीं जगह होगा कुछ भी नहीं, जहाँ आखिर जुमा जहाँ वहाँ असर होगी कि नहीं, जुमा भी है तो असर भी है, असर की नमाज पढ़ोगे कि नहीं वो वहीं पढ़ लो। और माँ बहने जो है तो हाँ वो भी पढ़ेंगे। अब ये कि ऐसे वक्त में जहाँ नमाज नहीं पढ़ सकती है, वो खाली बैठ के या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम कहेंगे, उसकी रट लगाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुछ पाक साफ होकर महीने में कुछ ऐसे अय्याम आते हैं उन्हीं की वही बात है, जब वो नमाज ना पढ़ सकती हो उसमें भी उसमें फिर भी वजू तो कर ही लेंगे, समझा, उसमें भी उसी या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम इसकी रट लगाए, और मगरिब का जब वक्त है उस वक्त दुआ करना। साहिब मकसद जो है वो खुद करे ये अच्छा होता है, उसके लिए दूसरे लोग भी कर सकते हैं। वजह कि खुद करेगा तो पूरे खुलूस के साथ करेगा, तवज्जो के साथ करेगा, दूसरा करेगा पता नहीं कैसा कर रहा, ध्यान किधर है, जुबान किधर है, अपना काम तो खुद ही करे तो अच्छा। ये आज की इस महफिल का आखिरी सवाल है, अगर किसी मस्जिद के ताल्लुक से ये सवाल है कि अगर किसी मस्जिद की आमदनी काफी हो तो उन पैसों का किन किन चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन अहले सुन्नत की किसी दूसरी मस्जिद की तामीर में उस मस्जिद की रकम लगाई जा सकती है। जवाब सुनो, बस सबका जवाब हो जाए, उस मस्जिद की रकम सिर्फ उसी मस्जिद में लगाई जाएगी, उस मस्जिद की रकम कहीं नहीं लगाई जा सकती, उसी मस्जिद में लगाई जाएगी जिस मस्जिद की रकम है। मस्जिद को और अच्छा बना दो, मस्जिद को और सजा दो, मस्जिद को और खूबसूरत कर दो, जो कुछ खर्च करो उसी मस्जिद में करो, दूसरी मस्जिद में इस एक मस्जिद की रकम दूसरी मस्जिद में नहीं लग सकती। हाँ ऐसी चीज़ें जो मस्जिद में चटाइयाँ हैं या कुछ ख़राब हो जाने वाली चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लकड़ियाँ अब उसमें काम नहीं, मकान बनाया वहाँ की लकड़ियाँ फाजिल हो गई ज़ाया हो जाएंगी, तो उसको आप बेच सकते हैं, जो मुतवल्ली होगा वो उसको बेच सकता है, और मगर बेचे तो मुसलमान के हाथ बेचे ताकि उन लकड़ियों को वो भी किसी अदब की जगह पे लगावे, इधर उधर जगह पर न लगाए, वो ये कर सकता है।
मगर मस्जिद की रकम दूसरी मस्जिद में भी नहीं लग सकती तो कहीं और कहाँ लगेगी? दूसरे किसी भी हाँ किसी का किसी भी जब اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تفضلت اللهم صل على اللهم انا نعوذ بفضلك القديم وتولك الامين وبفضلك الامين اللهم اتفنا البلاء والمرض وبفضلك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والرهبان والمتابعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ان شاء الله تعالى اگلے سنڈے کو دوبارہ ہم لوگ وقت متعینہ پر آپ کے درمیان ہوں گے تب تک کے لیے آپ خیر و عافیت سے رہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ